हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीटेट के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अगले बार एग्जामिनेशन दिए थे लेकिन किसी कारणवश कम नंबर प्राप्त किए और कुछ नंबर के चलते आप पीछे रह गए। तो चलिए दोस्तों, आज उसी कमी को पूरा करेंगे। और जो भी सीटेट बैच में आ रहे हैं स्टूडेंट, क्विज बैच में जो भी आ रहे हैं, तो उन सभी को पता ही होगा कि प्रत्येक रोज़ एक सेट समाप्त होता है और उसी सेट को हम यूट्यूब पर भी कोशिश कर रहे हैं आज से कि डालें प्रत्येक रोज़। तो रेगुलर रूप से हम डालने का कोशिश करेंगे। लगभग जो है प्रत्येक रोज़ एक सेट समाप्त होने के बाद डिस्कस तो हो ही जाता है। और जो स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, किसी किसी रोज़ एब्सेंट हो जाते हैं, तो उन सभी को भी हेल्प मिल जाएगा। और जो भी मेरे नए मेहमान हैं, मेरे नए साथी हैं, मेरे नए दोस्त हैं, और उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा लें। इस तरह का आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 10 है, प्रैक्टिस सेट। यह जो है आपका और उपकार प्रकाशन का है। अरिहंत प्रकाशन का पूरा समाप्त हो चुका है, तो 10 सेट आज समाप्त हुआ है। जैसे जैसे समाप्त होता जाएगा उस तरह से हम आपको भी यहाँ पर समाप्त करते जाएंगे। तो उम्मीद रखिए प्रत्येक रोज़ रेगुलर रूप से वीडियो डालने का कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला आज आपका 30 क्वेश्चन ही कराएंगे। अगले वीडियो में फिर से 30 क्वेश्चन हिंदी का, उसके बाद मैथ का, उसके बाद आपको पर्यावरण का, चार विषय का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक बावर्ची भोजन को चख करके देखता है, जैसे कि बावर्ची भोजन मतलब हो गया कि बावर्ची खाने में भोजन बनता है रसोईया में, तो उसमें जो रसोईया भोजन बनाने के बाद चखता है तो यह किसके समान है? तो यानी कि चखा हुआ, तो इसका मतलब किसके समान होगा? अधिगम का मापन के समान, अधिगम के लिए मापन, या फिर अधिगम के रूप में मापन, या फिर आपको हो जाएगा मापन एवं अधिगम। तो चूंकि रसोईया क्या किया है, तो उन्होंने बनाया उसके बाद चखा। बनाया और चखा, इसका मतलब है कि उन्होंने जो अधिगम कर लिया है यानी कि बनाया है, उसके लिए वह उसने मापन किया है, तो इसलिए उन्होंने चखा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आप भी कोशिश कीजिए कि साथ साथ आंसर का जवाब दें ताकि आपको भी अपने आप पर अनुभव प्राप्त हो कि कितना हम सही टारगेट कर पा रहे हैं। तो जब एक बावर्ची खाने में भोजन को चखता है, जो बनाता है, इसका मतलब है उसने जो भोजन बनाया उसको चखने की कोशिश की मापन के रूप में, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न तो सब खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं और न सब कलाकार, इसका क्या मतलब है? न सब खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं और न ही सब एक कलाकार एक स्तर के होते हैं, इसका मतलब है कि सभी में कुछ न कुछ अलग अलग योग्यताएं पाई जाती है जिसके कारण अलग अलग गुण पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, हो सकता है उसके विशिष्ट योग्यता में भिन्नता हो जिसके कारण सभी खिलाड़ी अलग अलग होते हैं, सभी कलाकार के स्तर भी अपना अपना अलग अलग होता है। दूसरा है व्यक्तित्व में भिन्नता, तो व्यक्तित्व में भी भिन्नता हो सकती है। गतियात्मक योग्यताओं में भिन्नता, तो ये उनसे रिलेटेड नहीं है। खिलाड़ी कलाकार, खिलाड़ी तो गतियात्मक होते हैं लेकिन कलाकार गतियात्मक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो सी नंबर का नहीं होगा। विचारों में भिन्नता, विचार में भिन्नता के कारण सभी खिलाड़ी जो है अलग हो सकते हैं या कलाकार अलग हो सकते हैं, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सी और डी तो बिल्कुल पहले ही छट गया, ये दोनों पहले ही छट गया। आपको बच जाता है पहला, विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता के कारण, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, व्यक्तित्व में भिन्नता, तो व्यक्तित्व में भिन्नता के कारण भी हो सकता है लेकिन व्यक्तित्व में विशिष्ट भिन्नता होनी चाहिए। तो यानी कि योग्यता में विशिष्ट भिन्नता अगर हो जाती है या फिर विशिष्ट योग्यता में भिन्नता हो जाती है तब ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको ए नंबर का हो जाएगा। दोस्तों, आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि अपने स्तर से भी समझने का, तभी आपके ऊपर जो है प्रभावी हो पाएगा ये नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, एक छात्र अपने सहपाठियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है और वह स्कूल के नियमों को नहीं मानता है। छात्र इस प्रकार के जो निम्नलिखित किस क्षेत्र में सहायता की ज़रूरत है? छात्र जब इस तरह का व्यवहार करता है तो आपको बताना है कि वह जो है उसको किस क्षेत्र में सहायता की ज़रूरत है, संज्ञानात्मक पक्ष में,
संज्ञानात्मक पक्ष हो सकता है, तत्काल इसको हम पेंडिंग रखते हैं। दूसरा आपका है मनोवैज्ञानित्व, ये या फिर इसे ऐसे पढ़ सकते हैं मनोज्ञात्मक जो होता है इस पक्ष में, या फिर भावात्मक पक्ष में, भावात्मक हो सकता है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। संज्ञानात्मक पक्ष हो सकता है या तो भावात्मक पक्ष हो सकता है। तो इसका मतलब इस दोनों में आपको चूज करना, पहले आपको उस ऑप्शन को छांट लेना है जो बिल्कुल नहीं होगा, केवल उसको आपको चूज करना है जो हो सकता है। तो हो सकता है ए नंबर का या सी नंबर का। अब दोनों में से चूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो नियम का उल्लंघन कर रहा है, नियम नहीं मान रहा है, आक्रामक व्यवहार करता है, इसका मतलब उसके अंदर जो है भावात्मक पक्ष की कमी है। उसके अंदर भावात्मक पक्ष में सहायता करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तभी वो सुधर पाएगा। तो इस तरह से सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिकता यह जो है वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होती है, ऐसा कहा है। यानी कि सृजनात्मकता में जो मौलिकता होती है वास्तव में किसी भी प्रकार की घटित क्रिया में हो सकती है, ऐसा किसने कहा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर का, रूस ने कहा है। तो इसे तो आपको याद ही रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो इसका सही आंसर आपको रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलवर के नैतिक विकास की विशेषता है। कोहलवर के नैतिक विकास का अगर विशेषता आपको जानना है तो इसमें आपको बता दें कि इन्होंने चार विशेषता की, तीन विशेषता इन्होंने दिए हैं। तो उस विशेषता के आधार पर इसमें जो तीसरा ऑप्शन जो है, सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम होता है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है ए बी और डी ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है कोहलबर के नैतिक विकास के में जो है विशेषता में नहीं बतलाया गया है। केवल सी नंबर का आपसे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, अति शीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक है। अति शीघ्र सीखने का, यदि कोई बच्चा है उसे हम जल्दी से सिखाना चाहेंगे तो इसके लिए प्रभावशाली घटक क्या होगा। तो प्रभावशाली घटक की अगर बात करें तो जल्दी सीखना है तो समायोजन, अभिप्रेरणा, अनुभव हो सकता है या फिर ज्ञान हो सकता है। तो जब तक जो है वो अपने आप में अभिप्रेरित नहीं होगा, उसके अंदर जो है एक जिज्ञासा नहीं जागेगी, तब तक जो है वो खुद से सीख नहीं सकता है। या फिर अगर मान लीजिए हम कितना भी कोशिश भी कर लेंगे, समायोजन भी कर देंगे, अनुभव भी डाल देंगे, ज्ञान भी है, लेकिन उसके अंदर अगर प्रेरणा नहीं है तो वो अति शीघ्र नहीं सीख पाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सा अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या कहा गया है, तो पहले आपको वो भी पढ़ना जरूरी है। तो आप जो है थ्योरी को अवश्य पढ़िए, और मेन बात ये होती है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप पढ़ भी लेते हैं लेकिन टच नहीं करता है, तो उस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि केवल सजेस्ट पॉइंट को आपको पढ़ना है। तो पियाजे के सिद्धांत में कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो इसमें पहला ऑप्शन है सीखने के लिए बच्चों की तत्परता, तत्परता का नियम दिया गया है पियाजे के सिद्धांत में, तो तत्परता का तो पता चलेगा ही। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना यह भी नियम में कहा गया है। खोजपूर्ण अधिगम यह तो नियम ही है, खोजपूर्ण विधि या खोज विधि यह पियाजे ने ही दिया है, तो जब पढ़िएगा तो ये आपको विधि ही मिल जाएगा। अगला है आपका मौखिक या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो ये लास्ट वाला जो दिया गया है लाइन, ये संज्ञानात्मक विकास जो दिया गया है पियाजे के अनुसार, उसके अनुसार अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस तरह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको इसमें और भी कुछ जानकारी पाना है तो हम आपको बता दें कि मौखिक या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो होती है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से उत्पन्न नहीं होती है। इस सिद्धांत को चार अवस्था में विभाजित किया गया है। कितने अवस्था में विभाजित किया गया, चार अवस्था में विभाजित किया गया। कौन कौन वो अवस्थाएं हैं, तो पहला अवस्था आपको आ जाएगा मनोगात्मक अवस्था, दूसरा पुरुषंक्रियात्मक अवस्था आता है, और तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि मूर्त वस्तुओं को देखते हैं, जिसे हम देख सकते हैं वो होता है मूर्त चीज़ें। तो मूर्त नियम जो है ये आपको तीसरा दिया गया है, और चौथा जो आता है औपचारिक, यानी कि जो नियम के अनुसार होता है वो औपचारिक होता है। तो औपचारिक जो होता है
वो आपको दिया गया है चौथा नियम। इस तरह से डी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला है, अधिगम के शारीरिक कारक हैं। तो अधिगम के शारीरिक कारक के रूप में अगर बात करें तो पहला है ऑप्शन स्पर्श, उसके बाद है वातावरण, उसके बाद है आपको संवेगात्मक, उसके बाद है परिपक्वता। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि यदि हम शरीर के माध्यम से किसी अधिगम को हम पूर्ण करें तो उसको हमको टच करना पड़ेगा। शारीरिक दैहिक क्रिया अगर लगाएंगे तो सबसे पहले आपको टच करना पड़ेगा, चाहे आपके अंदर संवेगात्मक हो या परिपक्वता हो या वातावरण हो। अगर दैहिक रूप में सोचेंगे या अधिगम के शारीरिक कारक के रूप में सोचेंगे तो स्पर्श करना होगा। इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कथन ऐसा दिया गया है कि पुरुष समानतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो यह कथन क्या है? बहुत बार और आपको एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपको मिल जाएगा, सत्य है, सत्य हो सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव दर्शाता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें आपको अगर बात करें तो जब भी भेदभाव की बात करें, महिला और पुरुष, जैसे कि महिला हो गया और पुरुष हो गया, तो महिला पुरुष से और अगर भेदभाव की बात करता है तो आपको हमेशा इसमें सत्य होगा कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि इस लिंग के आधार पर भेदभाव दर्शाता है, तो ये हमेशा आपका सत्य होगा। तो कुछ क्वेश्चन कॉमन है जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, उसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है, तो व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, जिसमें व्यक्तित्व मतलब हो गया व्यक्ति अपने आप में कौशल प्राप्त करता है, व्यक्ति अपने आप को दूसरे के सामने मान ले कि अभिव्यक्त कर पाता है, तो व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व एक जो है, ऐसा बात करें तो विचारधारा, इस ये व्यक्ति इस विचारधारा के हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण अवस्था क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर बात करें तो बाल्यावस्था, शिशुवावस्था, प्रौढ़ावस्था और यौवनावस्था दिया गया है, चार अवस्था आपको दिया गया है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शिशुवावस्था। लेकिन ये शिशुवावस्था जो लिया गया है, मेरे ख्याल से शिशुवावस्था नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था होना चाहिए, या नहीं तो किशोरावस्था होना चाहिए। किशोरावस्था में ही बालक सभी गुणों से परिपूर्ण होते हैं, तो किशोर अवस्था होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। सही बात है, जब वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो बच्चे अपने आप में रक्षा नहीं कर पाते हैं। वो यह जो अयोग्यता आती है किन परिणामों का के कारण आता है? तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वो इस प्रकार से है, उपकल्पना, निगमनात्मक तर्क में अयोग्यता है इसलिए, या फिर व्यक्तित्व कहानियाँ के कारण, या विचारों में परिवर्तनहीनता के कारण, या फिर उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी के कारण। तो दोस्तों इसमें आपको अगर बात करें तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आखिर सी क्यों लिया है, अब ये सवाल आता है। तो सी इसलिए लिया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो बच्चे जो होते हैं वो जो है घटनाओं को और वस्तुओं को याद रखते हैं, वो याद रखने की कोशिश करते हैं जो बच्चे में होते हैं, क्योंकि उसे तो अवधारणा मालूम नहीं है, वो क्या करेंगे केवल याद रखेंगे, अगर गलत है तो भी सही है तो भी सोचेंगे, तब जब वो उसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जानेंगे तभी तो सोचेंगे ना। तो इसलिए जो है यह जो है विचारों में परिवर्तनहीनता के कारण, या फिर इस तरह से सोच सकते हैं उनके विचार अधिक काल्पनिक होते हैं, आत्मकेंद्रित हो जाते हैं, इस अवस्था में वे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तु समझने लगते हैं। जैसे कि सजीव वस्तु को एक बार देख लिए कि बकरी इस तरह से है, तो वो अगर निर्जीव वस्तु भी दे देंगे तो उसके अंदर ऐसा लगेगा कि ये बकरी ही है, तो इसमें भी जान होगा, इस तरह से वो सोचने की कोशिश करेगा। लेकिन जो अगर बात करें कि खिलौना, तो खिलौना भी वैसा सोचेंगे कि संवेग होते हैं, विचार होते हैं, वे भाषा को निरंतर प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं, इसलिए इस अवस्था में विकास की अवधारणा जो होंगे वो असभ्य होंगे और अपरिवर्तनशील होंगे। इस तरह से अपरिवर्तनीय होते, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व की विशेषण में प्रमुख स्थान है,
या फिर रखता है व्यक्तित्व की विशेषण में। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जब तक आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आप सही ढंग से सोच नहीं सकते हैं, सही ढंग से आप अपने व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व को परिभाषित करना है या फिर प्रमुख स्थान पर देना है, तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, और मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। यदि हम शिक्षण कर रहे हैं तो हम चाहते हैं उसको अधिगम में बदले। अधिगम मीन्स हो गया कि सीखना, और शिक्षण हो गया कि सीखे हुए। तो इसका जो हो जाएगा कि परीक्षा का आयोजन करके शिक्षण को अधिगम में बदल सकते हैं, या रटने की प्रवृत्ति। रटने की प्रवृत्ति आ जाए भैया तो सबसे पहले आपको इसे छांट देना है। रटने की प्रवृत्ति कभी भी नहीं होगी। सामने शिक्षण पर बल देकर, बल भी कभी नहीं दे सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा को अपना करके ये सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को यदि अपना लेते हैं, बालक को प्रमुख स्थान देंगे, तब जो है उसे अधिगम में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को या फिर व्यक्तित्व के निर्धारकों को कितने वर्गों में बांटा है। तो व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक को सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, जिससे कि हो सके तो वो अपने वातावरण में या फिर सामाजिक में सामंजस्य स्थापित कर सके। तो क्योंकि इनसे वे सीखने के अलावा विभिन्न सहायता प्राप्त कर सके। तो क्या सहायता प्राप्त कर सकेगा सीखने के अलावा। तो पहला ऑप्शन है संघर्षों को वह महत्व देना, आक्रामकता के कारण या चिंता का कारण, या फिर सामाजिकता। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सामाजिकता। ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि समाज में सीखते हैं, या फिर ऐसे सोच सकते हैं, अगर मान ली कि हम सामूहिक खेल खेल रहे हैं, उससे होता क्या है कि एक दूसरे के बीच अंतः संबंधित हो जाते हैं विचारों से, अपनी बातों से। जितना बातें जो है एक दूसरे से करेंगे, उतना हमारा रिलेशन भी समाज के प्रति बनेगा। जब तक समाज के प्रति रिलेशन नहीं बनेगा, तब तक जो है समाजीकरण भी नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की दैहिक दशा जो होता है मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्तित्व के व्यवहार और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसने कहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। तो ये याद रखने वाली पॉइंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित नहीं करना चाहिए। तो अधिगमकर्ता जो भी हैं, मान लीजिए बच्चे हैं, उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि हम जो हैं कल इस तरह के प्रश्न पूछने वाले हैं एग्जाम में, तो केवल इसी तरह का प्रश्न आप याद करें, क्योंकि ये अवधारणा गलत है। क्योंकि अधिगम का मतलब हो गया कि बच्चे के अंदर सर्वांगिक कौशल का विकास करना, सभी दृष्टिकोण से विकास करना होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो पहला ऑप्शन, कक्षा के अंदर बाहर जितना संभव हो सके उतने प्रश्न पूछें, तो ये सही है। गतिविधि की अगर बात करें तो ये पहला सही है। दूसरा, सामूहिक गतिविधि में या कार्य में दूसरे छात्रों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, तो ये भी सही होगा, क्योंकि जब तक एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं होंगे, प्रेरित नहीं होंगे, तो आपको निगेटिव आंसर मांगा जा रहा है, जो प्रेरित नहीं करना चाहिए था। तो तीसरा ऑप्शन है, जितना संभव हो सके उतनी सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए देना या अवसर देना, यह भी सही है। तीसरा लास्ट ऑप्शन है आपका डी नंबर का, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करना जो एक अध्यापक पूछता है। तो ये बात गलत है, जो एक अध्यापक पूछता है केवल उसी प्रश्न को अगर हम विद्यार्थी को कहेंगे कि याद कर लो, इसका मतलब उसका सर्वांगीण विकास तो नहीं हो पाया, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये, व्यक्ति के जीवन में मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य क्या है। मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य पूछा जा रहा है व्यक्ति के जीवन में, तो समायोजन करना। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हम इतना कुशल जो कुछ सीखते हैं इसलिए कि ताकि हम विभिन्न परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके, सामंजस्य कर सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का। नेक्स्ट है आपका, पियाजे की किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है। अनैच्छिक क्रियाएं जो स्वतः होते रहती है, इसका मतलब सही आंसर आपका हो जाएगा गतियात्मक अवस्था हो सकता है, बी या फिर सी डी, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर आपको बता दें कि ए हो जाएगा। क्यों, अब ए क्यों है, तो गतियात्मक है।
तो गत्यात्मक अवस्था होता है कि यह संज्ञानात्मक विकास की इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था होती है। यह बालक के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु तक चलती, कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक गत्यात्मक अवस्था चलती है। तो ये हो जाएगा ए नंबर का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिबल के प्रकार है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगला है बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल विकास की किसकी आपसी जिम्मेवारी है? बाल विकास की किसकी जो है आपस में जिम्मेवारी होना चाहिए? अभिभावक और शिक्षक की, दोनों की, सामाजिक संस्कृति कारकों की, वंशानुक्रम? और ये बहुत बार आपको पूछा जाता है, तो ये जो है कुछ अलग टाइप से पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों पर निर्भर करता है बाल विकास की जिम्मेवारी। नेक्स्ट है आपका समायोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है कौन? कुंठा, प्रक्षेपण, परिहार या अंतर्द्वंद? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्द्वंद, क्योंकि आंतरिक रूप से जब तक एक दूसरे से कोई प्रभावित नहीं होगा या फिर किसी क्रिया से प्रभावित नहीं होगा तब तक वो सामंजस्य नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत सेंस लगाना है कि इसका आंसर किस आधार पर लिया जा रहा है। बहुत सारे कॉमन ऐसे हैं क्वेश्चन हैं जो कि आपको सभी एग्जामिनेशन या फिर सभी पेपर में देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, चरित्र निर्माण। इच्छा शक्ति तो कभी नहीं चरित्र का निर्माण करेगा, वर्ताव हो सकता है, नैतिकता हो सकता है, व्यवहार हो सकता है। अब बात करें कि इसमें से होगा क्या, तो ये तो पहले ही छंट गया। तो वर्ताव, किसी के साथ अगर हम अच्छे बात कर लेते हैं तो उससे हुआ क्या कि व्यवहार का भी पता चल जाएगा, उससे हुआ क्या कि नैतिकता का भी पता चल जाएगा। इसका मतलब प्रमुख तीनों का, इस दोनों का प्रमुख क्या हो जाएगा? तो वर्ताव हो जाएगा, वर्ताव दोनों को प्रभावित करता है, तो इसलिए सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का क्या कारण हो सकता है? तो वंशानुक्रम हो सकता है, सही बात है, संवेगात्मक नहीं होगा, सीखने में नहीं होगा, विचारों में, पर्यावरण भी हो सकता था, तो मुख्य रूप से इसमें पर्यावरण नहीं लिया गया है तो आपको वंशानुक्रम होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जब भी आएगी तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आती है, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, क्या जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? जो है वह क्या सब है पहले देख लेते हैं। जो है वह है ए निरंतरता का सिद्धांत है मानव विकास, विकास जो है क्रमबद्धता का सिद्धांत है, विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर जाता है, लेकिन विकास जो है परिवर्तनीयता नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर का सही आंसर। अब आप पूछेगा कि डी क्यों, तो इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं कि मानवीय विकास का अध्ययन मानव के शिशुकाल से परिपक्व तक या फिर गर्भावस्था से लेकर के स्वयं सत्ता की ओर विकसित होता है या आकलन करता है, यह एक निरंतर और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जो व्यक्ति की बुद्धि के या फिर वृद्धि के दौरान होती है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रिया प्रसूत बहुत बार पूछा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर, ए नंबर का सही आंसर, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाजीकरण के संदर्भ में स्कूल के पास एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है, यानी कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं या फिर हम भेजते हैं किस उद्देश्य से भेजते हैं, क्या उसमें छिपा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका बलपूर्वक अधिगम, तो बलपूर्वक आ जाए तो भैया पहले इसको छांट दीजिए, बलपूर्वक आ जाए तो आप सबसे पहले इसे छांट दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि अंतःक्रिया हो सकता है, देखिए अंतःक्रिया, जब तक बालक अंतःक्रिया नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख सकते हैं। अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक, ये अनौपचारिक संकेत देना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतःक्रिया एक दूसरे से रिलेशन बनाता है और सामाजिक, ये सामग्री जो है सामग्री के माध्यम से स्कूल में सामाजिक भूमिकाओं में भी अनौपचारिक रूप से बढ़ावा मिलता है। जैसे कि बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संकेत के माध्यम से, जैसे कि राज्य सरकार का कहना है या फिर अनुच्छेद में लिखा गया कि राज्य सरकार जो है अपने राज्य के कल्याण के लिए, अपने राज्य के कल्याण के लिए कदम उठा सकती है, तो इसीलिए नीतीश कुमार ने बिहार राज्य में शराबबंदी किया। तो कानून में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन
ऐसा लिखा हुआ था कि वो अपने राज की कल्याण के लिए सोच सकता है, कदम उठा सकता है, इसलिए शराबबंदी। इसलिए यहाँ पर अनौपचारिक संकेत होगा, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम का प्रमुख आधार क्या होना चाहिए? तो अधिगम का प्रमुख आधार होना चाहिए अनुभव होगा, आत्मविश्वास होगा, परिपक्वता होगा, विश्राम होगा। तो इसमें बात करें तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये आपका सी नंबर का, परिपक्वता। तो ये परिपक्वता क्यों होना चाहिए? आत्मविश्वास भी हो सकता था, आत्मविश्वास केवल जरूरी नहीं है। अगर मान लिया कि 5 साल का, 10 साल का बच्चा है, आत्मविश्वास भरा हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें क्षमता ही नहीं आया, यानी कि वो परिपक्व नहीं हुआ है, तब तो ये बेकार है। इसलिए आधार क्या होना चाहिए? परिपक्वता के अनुसार क्षमता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा में उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करना है, तो विद्यार्थी को बताया जाना चाहिए कि उनके कक्षा में उनके अच्छे अंक का कारण क्या है। बच्चा जो है अच्छे अंक क्यों लाए हैं, तो हम उसे इस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये सभी जो है आपकी मेहनत की सफलता है या फिर उनकी स्वयं की मेहनत है। ऐसा कहेंगे तो बच्चे में क्या होगा कि अभिप्रेरणा की भाव जगेगा, वो प्रोत्साहित भी हो जाएंगे। इस तरह से इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अनुभव अधिगम का प्रभावशाली घटक क्या होगा? अधिगम का ये अनुभव अधिगम का प्रभावशाली घटक अधिगम हो जाएगा, क्योंकि अधिगम से ही हम क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। जब तक अधिगम नहीं करेंगे तो प्रभावशाली नहीं, उसे वातावरण भी हो सकता है प्रभावशाली, लेकिन उससे पहले आपको अधिगम चाहिए। इस तरह से 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में हम आपको हिंदी के क्वेश्चन लेकर के लिए मिलेंगे। तो हिंदी में आप जो है खुद से मेहनत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको 2 गद्यांश पूछे जाते हैं और 15 नंबर का आपको पेडागोजी पूछे जाते हैं। पेडागोजी लगभग समान रहेंगे, तो कोशिश कीजिए अपने से भी प्रैक्टिस करें। इसका अगर PDF पाना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं CTET के लिए, और वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, आंसर भी आपको मिल जाएगा वहीं से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।